नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल फर्स्ट वेटिंग प्रोसेसरी सफल के बारे में। इसके अलावा लेवल टू तीसरी वेटिंग लिस्ट। इसके अलावा दोस्तों रीट भर्ती को लेकर जोधपुर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। तो पूरी खबर दोस्तों देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो आज की बड़ी खबर देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भास्कर की न्यूज़ है जोधपुर से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीएसपी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को टीएसपी जनरल कैटेगरी में नियुक्ति देने के आदेश पर अंतरिम रोक। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस जीआर मूलचंदा ने की खंडपीठ ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में टीएसपी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को टीएसपी जनरल श्रेणी में नियुक्ति देने के एकल पीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। और यहां पर देखिए, राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अपीलार्थी निक्की व अन्य की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर नूपुर पाटी ने लीव टू अपील पेश कर बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 टीएसपी एरिया के लिए विज्ञापित की गई थी, जिसमें टीएसपी जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता के लिए रीट परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य हैं और टीएसपी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता के लिए रीट परीक्षा में न्यूनतम 36% अनिवार्य हैं। याचिकाकर्ता कमलेश कालूसा व अन्य अभ्यर्थी को एकलपीठ ने गत 25 मार्च को याचिका स्वीकार कर टीएसपी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थी जिनके रीट परीक्षा में न्यूनतम 36% अंक है को टीएसपी जनरल श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति देने के आदेश जारी किए थे, जो आरक्षण नियमों के विरुद्ध है। टीएसपी जनरल श्रेणी की पात्रता के लिए न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य हैं तथा टीएसपी एसटी के अभ्यर्थियों जिनके 60% से कम अंक है उन्हें टीएसपी जनरल के पदों के विरुद्ध नियुक्ति नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने अपील याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर गत 25 मार्च को एकलपीठ द्वारा दिए गए आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, जोधपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, टीएसपी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को टीएसपी जनरल कैटेगरी में नियुक्ति देने के आदेश पर अंतरिम रोक दोस्तों जो है लगा दी है डबल बेंच ने, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज यहाँ पर आप देखिए, रीट भर्ती 2016 अनिवार्य अंग्रेजी प्रकरण 86 पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी। और यहाँ पर देखिए, हाईकोर्ट से रात के बाद दी स्वीकृति और वैकल्पिक विषय नहीं था तो माना अपात्र। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, रीट लेवल फर्स्ट वेटिंग प्लस रिसपल वालों के लिए कुछ खबर है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, रीट लेवल प्रथम वेटिंग रिसपल वालों के लिए विशेष सूचना, हमारी 2 दिन की भागदौड़ हुई कामयाब। राज्य निर्वाचन आयोग कल दिल्ली निर्वाचन आयोग को अनुमति के लिए कॉन्टैक्ट नोट भेज देगा और आज राज्य निर्वाचन आयोग ने दिल्ली भेजने की दी स्वीकृति। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखिए, सहयोग करने के लिए मुख्यमंत्री जी व उप मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूँ, आपकी फाइल को जल्दी ही अनुमति मिलने वाली है दिल्ली निर्वाचन आयोग से। उसके बाद दोस्तों आपकी जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी वेटिंग प्लस रिसपल। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, लेवल 2 तीसरी वेटिंग लिस्ट के लिए दोस्तों कल या परसों उपेन यादव ने जो है यूट्यूब पर लाइव कहा था कि तीसरी वेटिंग लिस्ट आने वाली है लेवल 2 की, कंफर्म आएगी। पहले तो दोस्तों जो है शिक्षा निदेशालय ने मना कर दिया था कि तीसरी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन बाद में दोस्तों उपेन यादव के जो है प्रयासों से सरकार ने जो है निदेशालय को बोला कि तीसरी वेटिंग लिस्ट जरूर आनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों जो आपके लिए कुछ खबरी है, लेवल 2 की तीसरी वेटिंग लिस्ट भी जल्दी आएगी। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।